हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल बोला करो पर। और आज जो है हम निकल पड़े हैं एक एडवेंचरस जर्नी पर और जाने वाले हैं एक टेंपल के पास, क्योंकि वहां पर जाकर हम लेने वाले हैं दर्शन काल भैरव के बारे में। तो आज हम इसी के ऊपर है जो ब्लॉग बनाए हैं, तो आप एंजॉय करिए और हम आपको लेकर चल रहे हैं एक एडवेंचरस जर्नी पर। तो ये जो मंदिर है बेसिकली बेस्ड आउट है सोनारी करके गांव है वहाँ पर। ये पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर फ्रॉम सोलापुर। आप जो है ड्राइव करके आ सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास जो है आपको ड्यूरेशन लगता है यहाँ तक आने तक। तो बेसिकली अगर इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो ये जगह प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है काल भैरव ने अवतार लिया था। सुवर्णासुर एक राक्षस था उसके वध करने के लिए। तो पहले जो इस गांव का नाम था वो था सुवर्णपुरी, मगर जो है उसको मिस स्पेल करते हुए इसका नाम सोनारी पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो है मेरे घर से इसका जो ड्यूरेशन पड़ता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का ड्राइव है। बहुत ही बढ़िया प्लेजेंट एटमॉस्फियर था और हमने डिसाइड कर लिया कि चलो निकल पड़ते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो बेसिकली ये जो भगवान है ये हमारे कुल देवत है, तो इसलिए हम इसको साल में एक बार तो कम से कम विजिट करते ही है। तो अब हम जो है सोनारी की गलियों में पहुंच चुके हैं। ये रास्ता सीधा मंदिर की तरफ जाता है। अगर आप इसमें देखोगे तो हर तरफ जो है आपको गुलाल ही दिखेगा। गुलाल मतलब जो है वो भगवान का जो है कलर है, और वो जो है मंदिर के ऊपर बोलो या फिर सभी जगह पर बोलो, टीका लगाने तक सभी जगह पे आपको जो है ये पिंक कलर का जो गुलाल है वो दिखेगा। पूरा जो सोनारी है ये पूरी पिंक पिंक रहती है हमेशा गुलाल के वजह से। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे मंकीज है, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन है इस लोकेशन का। और एक कि आपको हर जगह पे बंदर्स दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े बंदर्स है और बहुत ही मज़ा आता है इस जगह पर। ओके, तो अगर साइड में दोनों साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है दुकानें लगी हुई है, जो आप भगवान को चढ़ावा करना चाहते हो वो सारी चीज़ें जो है आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में मिलेंगी। तो बेसिकली जो है हम अभी जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं, एंट्रांस लेने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप राइट साइड में देखोगे तो इसको जो है बोलते हैं बाराज, और ये जो है बेसिकली यूज़ करा जाता है वाटर को स्टोर करने के लिए। और जो है आसपास के गांव के लोग जो है ओल्ड टाइम्स में इससे जो है पानी कलेक्ट करते थे और यूज़ करते थे अपने डेली पर्पज़ के लिए। तो अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही पुराना है, इट इज़ मेड बाय स्टोन, और इसमें अभी भी पानी जो है मौजूद है। तो अभी हम जो है चल पड़ने वाले हैं मंदिर की तरफ, और ये जो रास्ता है सीधा जाता है मंदिर की तरफ। तो अभी जो है हम जो है मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे जैसे मैंने पहले कहा था आपको हर तरफ जो है पिंक कलर ही दिखेगा। तो ये है सारे जगह पर अगर आप देखोगे तो गुलाल ही गुलाल होगा जैसे मैंने कहा था। तो ये रहा, हर जगह पर आपको जो है गुलाल ही मिलेगा। ये है बेसिकली मुख्य मंदिर, और इसमें जो है निवास करते हैं काल भैरव। तो अभी हम जाने वाले हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो हम बढ़ रहे आगे, तो आप बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम अभी बढ़ने वाले अपने जर्नी में आगे की तरफ।
तो आपने भी एक नोटिस किया होगा, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ गाइस, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि जो हमारे सबसे सैक्रेड प्लेसेस है, जो हमारे सबसे बड़े बड़े धर्म स्थान है या फिर बोलो मंदिर है, यहाँ पर क्यों लोग गंदगी फैलाते हैं। बेसिकली इस प्लेस को इतना पवित्र रखना चाहिए, हमारे एंड से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है इनको पोल्यूट ना करें, इन जगह पर कचरा ना फैलाए, सो दैट जो है हमारे जो ये सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस है, इनकी जो इसेंस है वो मेंटेन रहेगी। तो आप भी अगर कोई भी पिलग्रिमेज साइट पर जा रहे हो तो प्लीज़ गाइस इंश्योर करना कि कोई कचरा फैलाए नहीं और आप भी कचरा ना फैलाए। तो अभी हम बढ़ रहे हैं मेन सैंक्टम की तरफ, जहां पर जो है भगवान विराजमान है। इसमें थोड़ी सी लाइन है, उस लाइन में हम जा कर के जो है काल भैरव के भी दर्शन करने वाले हैं। काल भैरव का जो घोड़ा है ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, और जो मेन काल भैरव है ये मेन एंट्रेंस से अभी हम अंदर जाने वाले हैं। बेसिकली अंदर जो है शूटिंग निकालना और फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए हम वहाँ पर कोऑपरेट करेंगे और हम जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं लेने वाले हैं गाइस। तो आपको अगर काल भैरव के दर्शन करने हैं तो ज़रूर विजिट करिए इस जगह पर सोनारी में, और प्रभु के लीजिए दर्शन। तो अब बढ़ते हैं अपनी जर्नी में आगे की तरफ। यहाँ पर जो है एक प्रथा है कि आप जो है कोकोनट के जो पीसेस है उनको गुलाल में जो है डाला रहता है, और उसे जो है आपको जो है मंदिर के जो कलश है उसके ऊपर जो है नीचे से फेंकना होता है। तो बेसिकली ये जो है ये आपको शॉप पर भी मिल जाते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो आप बेसिकली जो है दान कर रहे हैं कोकोनट का टू दी यू नो दी यूनिवर्स बोलो या फिर टू द पीपल, सो आपको जो है डालना है मंदिर के ऊपर, और आप जो है दो तीन पीसेस कलेक्ट कर सकते हो जो दूसरे डाले रहते हैं, एंड यू कैन यूज इट एज अ प्रसादम फॉर योर फूड व्हेन यू विल बी मेकिंग इट। सो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, मुझे बहुत ही पसंद आया ये। तो इस तरह से जो है हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई। हमने कर लिए काल भैरव के दर्शन, खा लिया प्रसाद, और हम जो है अभी निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपके बोला करो चैनल को। तो मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।